श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाया जाता है। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी चादर से उच्छाजित होती है, उस अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष की छाताओं में झूले पड़ जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कचरी तीज के रूप में मनाते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत काफी मायने रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोग गीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। नवविवाहिता युवती प्रथम सावन में मायके आकर हरियाली तीज को मनाती है। हरियाली तीज के दिन सुहागन हरे रंग का श्रृंगार करती है। इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी जरूर लगाती हैं। इसकी शीतल तासीर प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का भी काम करती है, ऐसा माना जाता है। सावन के काम में भावना बढ़ जाती है। मेहंदी इस भावना को नियंत्रित करता है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने दे। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की मदद करता है। इस व्रत में सास और बड़े नहीं दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयां भेंट करती है। इनका उद्देश्य होता है कि दुल्हन का श्रृंगार और सुहाग हमेशा बना रहे और वंश की वृद्धि हो। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त ना हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हो सके, तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी, उसको मन भावन पति मिलेगा। जो विवाहिता इस व्रत को करेगी, उसकी जिंदगी में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी, योग्य वर की प्राप्ति भी होगी। सुहागन सूत्र को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेगी। इसलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही इस व्रत को रखती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।